चलिए सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर का। अभी हम बात कर चुके हैं मोशन के बारे में कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं ये पता कैसे चलेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है या सिंपली बोलें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में। अब यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है हमें वो देखना है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है। इसके बारे में शॉर्ट में भी पढ़ना है और नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में काफी डिटेल में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए यानी कि सिर्फ वैल्यू से काम चल जाए तो उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। और अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसके साथ वैल्यू के साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़े डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़े तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फिर से देखो अगर कोई क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू बताएं और काम हो जाए जैसे मैंने बोला कि आज मैं 10 किलोमीटर मैंने वॉक करी। लेट सपोज मैंने बोला कि 10 किलोमीटर वॉक करी तो मैंने 10 किलोमीटर एक नंबर बताया तो ये नंबर क्या है मैग्नीट्यूड है। नंबर या वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड है। तो ये जो नंबर बताया इसमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यार मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया 10 किलोमीटर में से मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ चला फिर ईस्ट चला फिर वेस्ट चला डायरेक्शन बताने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप सिर्फ वैल्यू बताओ सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ और काम हो जाए तो ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर कोई दूसरी क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है या आप डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हो तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे किसी ने बोला यार तुम स्कूल कैसे जाते हो स्कूल का एड्रेस बता दो तो तुम स्कूल का एड्रेस कैसे बताओगे। यार मैं घर से निकला और 5 मीटर स्ट्रेट चला फिर उसके बाद मैं लेफ्ट लिया और लेफ्ट डायरेक्शन में 400 मीटर चला। अब आप डायरेक्शन बता रहा हो कि मैं पहले स्ट्रेट चला फिर मैं लेफ्ट चला फिर मैं राइट चला तो आप डायरेक्शन भी बता रहे अलोंग विद द मैग्नीट्यूड कि यार 500 मीटर तो ये जो 500 मीटर है ना ये तो मैग्नीट्यूड है ये तो वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आपने उसके आगे क्या बताया कि मैं राइट चला या मैं लेफ्ट चला तो आपने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। तो अब ये जो क्वांटिटी बनेगी ये हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ वैल्यू होगी और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे अपन एक लाइन आप लोग लिखना स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी मेंशन होता है। अच्छा एग्जांपल के तौर पे जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें डिस्टेंस और स्पीड आएगी और वेक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब ये चीज क्या होती है ये अपन फर्दर देखेंगे लेकिन अभी याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिस्टेंस एंड स्पीड आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं इनको अपन आगे डिस्कस करते हैं। ओके।